السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब दुआ है आपको अपनी मान में रखे हर फितने और हर शर से हर बुराई से बचा कर रखे आपके लिए हदायत पर चलना आसान फरमा दे कुरान को समझना इस पर अमल करना अल्लाह सुपा आसान फरमाए इसकी बेहतरीन तोफ़ीक़ा फ़रमाए आमीन अल्लाम आमीन हमारी सूरत बकरा की आय तबर फिफ्टी टू है पहले लफजी तर्जमा करेंगे और फिर इनशा तफसर होगी लफजी तर्जमा फिर अफ दरगुजर किया हमने या माफ कर दिया हमने अन कुम तुम से बा बाद मिन इजाफी है जाली का इसके यानि शर के बाद लाल कुम ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करो सुमा फ़ोना अन कुम्बा दिदालिका लाल तशकुरून लेकिन इसके बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह अल्ला ताला तबन इसराइल से फ़रमा रहे हैं अनकुम मिम्बादी दालिक, फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ किया ये अल्लाह का करम है अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह गुनाह करने पर फौरन फौरन नहीं पकड़ता बल्कि ढील देता है मोहल्ल देता है कि शायद मेरा बंदा तोबा कर ले अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाए यह अल्लाह की रहमत है इस आयत का ताल्लुक भी पिछली आयत से है सुम्मा फिर यानी भूसा लाम बनी इसराइल को फिरौन के मुजालिम से निजात दिलाकर यानी फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करवा कर ले आए समंदर पार करवा के अभी हिजरत जारी थी इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताला ने 40 रातों के लिए अपने पास कोहे तूर पर बुलाया तो रात देने के लिए पिछली आयत नंबर फिफ्टी वन में इसका जिक्र हुआ था ना? मूसा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी जगह छोड़ कर गए थे ताकि बनी इसराइल जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में हारून अलैहिस्सलाम की इताअत करे लेकिन बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बछड़े को पूजना शुरू कर दिया होना तो ये चाहिए था कि इतने सारे एहसानों के बाद वो अल्लाह की शुकरगुजारी करते दुआएं करते क्योंकि मूसा उनके लिए शरीयत लेने गए थे और मसीद अल्लाह की इबादत करते लेकिन इन्होंने क्या किया बछड़े के आगे सजदा करने लगे बने इसराइल का ये शर्क जो है जुल्म अजीम था पिछली दफ़ा बात हुई बहुत बड़ा जुल्म था। इस इतने बड़े गुनाह के बावजूद अला तआला फरमा रहे हैं सुम अफाउना अन कुम फिर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया दरगुजर कर दिया इमबादी दालिक इसके बाद यानी इस शर के बाद जुल्म अजीम के बाद माफ़ कर दिया किस तरह माफ़ किया इसकी तफसील आएगी आयत नंबर 54 में देखें ये अपने ज़माने की मुसलमान कौम थी इनका शिर करना दरअसल मर्तद होना था मर्तद होना होता है जब मुसलमान जो है वो इस्लाम से फिर जाता है इस्लाम छोड़कर कोई और मज़हब इख्तियार कर लेता है तो हमारी शरीयत में मुर्तद होने वाले की सज़ा जो है वो कत्ल करना है यानी वो फिर वाजिबुल कत्ल हो जाता है बनी इसराइल की शरीयत में मुरतद की क्या सजा थी वो हम इन आगे जाकर जानेंगे पनी इसराइल की तोबा भी जार है कफारे के बाद ही कबूल हुई थी ये कफारा भी जो है होता है ना अल्लाह का इनाम होता है देखे अगर कफारा ना हो दुनिया में सजा ना मिले जो भी शरीयत में होती है तो बंदा गुनाह के साथ चला जाएगा ना और आखिरत में हमेशा हमेशा आग में में जलेगा तो बेहतर नहीं है कि दुनिया में एक दफा उसको सजा दे दी जाए उसका गुना धुल जाए और वो बिल्कुल पाक होकर जाए अल्लाह के पास और अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगाता फरमाए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें क्यों माफ़ किया यानी जो भी कफारा था उसके बाद लाल्लाश तशकुरून ताकि अब तुम शुक्रगुजारी करो पहले तो नहीं की ना तशकुरून होता है शकरा से ना जिसके मानी होते हैं जानवर को कम चारा खिलाकर यानी चारा कम डाला जाए लेकिन वो दूध बहुत ज्यादा दे ये एहसान है ना बनी इसराइल पर अल्लाह ने बहुत सारे एहसान किए थे क्या बदला दिया उन्होंने उन एहसानों का कदरदान नहीं थे ना, ना शुक्र थे शिर कर लिया था इस शिर को भी अल्लाह ने कफारे के बाद वहाँ फरमा दिया था यानी उन्हें पकड़ा नहीं था हलाक नहीं कर दिया था मोहलत दी थी ढील दी थी वजह कि शायद अब ये अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन जाए अब अल्लाह की बात मान लें अब अल्लाह की तात करने लग जाए अब अल्लाह के हर हर हुक्म अमल शुरू कर दें अब इनके दिल बदल जाएं क्योंकि शुक्र की कैफियत सिर्फ जुबान से अदा करना काफ़ी नहीं होता कोई जी अल्लाह का शुक्र है और उसके बाद अल्लाह के गिले शिकवे या लोगों के शुक्र तो दिल की कैफियत को कहा जाता है जिसके दिल में शुक्र और एहसान मंदी के जज्बात आ जाए कदरदानी के जज्बात आ जाए ना वो फिर एहसान करने वाले के सामने आर्जी इख्तियार करता है उससे गिले शिकवे नहीं करता उसकी ज़ुबान भी अल्हम्दुलिल्लाह कहती है और उसके दिल में भी मोहब्बत के जज्बात आ जाते हैं फिर वो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना उसको तकवा कहा जाता है उसमें नाराज़गी का डर भी शामिल होता है और जब एक शख़्स के दिल में तकवा आ जाता है फिर वो अल्लाह की रज़ा के कामों को करके और अल्लाह की नाराज़गी के कामों को छोड़कर सुकून पाता है इत्मीनान पाता है ख़ुशी पाता है दुआ है लाल हम सबको भी अल्लाह की पसंद के काम अल्लाह की रज़ा के काम करके सुकून और इत्मीनान अता फरमाए ताल हमारी सारी कमी कोतियाँ दरगुजर फरमाए हमारी बेहतरीन मफ़रत फरमाए और हमें आइंदा अल्लाह का और अल्लाह के बंदों का शुक्रगुजार गुज़ार बनाए जो भी हम परेशान करता है इंसानों में से हमें उनका भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो बंदों का शुक्रगुजार होता है वह ज़रूर अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार बंदा बन कर रहता है अल्लाह ताला हमें इसकी बेहतरीन तोफ़ी दे आमीन अल्लाह मामीन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा सुबह नक نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته